युवती ने की जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त। बताया जा रहा है कि युवती का विवाह नानाखेड़ी निवासी इकबाल खान से हुआ था। वहीं कल युवती को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु पूर्व बयान में युवती ने अपने पति से झगड़े की बात भी कही। वहीं युवती के परिजनों का कहना है कि उन्हें आज सूचना दी गई कि उनकी बेटी अस्पताल में भर्ती है, जबकि घटना कल की है। युवती के परिजन उन्हें ससुराल पक्ष पर अपनी लड़की की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। और जल्दी आओ, स्नान कर दो फिर। नहीं सर, कोई बात नहीं थी, घर पे गया मैं शाम करीबन 6 के समथिंग, 5-6 के समथिंग। मारे यार कोई बात चल रही थी घर की रस्ती में, जो भी चल रही अचानक मुझे तो क्या बनाना है, तो ऐसी कोई खास बात तो थी नहीं। तो मैंने बोला कि आप दाल चावल बना दीजिए, मैं मार्केट जा रहा हूँ घूमा धो के दही लेके आ जाऊँगा उधर से। तो उधर से मैं घर आया तब भी मुझे जानकारी नहीं थी, कुछ भी जानकारी नहीं थी। मैंने भी मुझे ये भी मालूम नहीं था कि अभी दवाई खाई गई है कि नहीं खाई गई, ना उन्होंने मुझे बताया। तो कोई बात नहीं, रोजमर्रा की चीज़ें चल रही थी, वैसे चल रही थी, वो चलती रही, कुछ लगा भी नहीं। कुछ बोल गया अचानक रात में 3:30-4 बजे के समथिंग उसने बोला कि चाय वगैरह आ रही है, पेट दर्द कर रहा है। कब से कर रहा है, अभी कराने लगा ये ना, इतनी सी बात हुई है। तो मैंने कि चलो ठीक है, स्लो हो जाता है क्योंकि अपन हॉस्पिटल चल जाए, 6-7 बजे हॉस्पिटल चल जाए। तो हॉस्पिटल में रवाना होने लगे हम, जब रास्ते में जब गाड़ी पे आ रहा था तब बोला कि मैंने ऐसा ऐसा कर लिया, फिर मैंने चीव मार की दवाई खा ली। फिर मैंने बोला कि तुमने जब से क्यों नहीं बोला, कि मैंने नहीं बोला क्योंकि अपने बीच में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, फिर भी आप बोलना तो उसे समझते हैं। बस इतना सा मैटर था तो मैं आया। इनने हमको यहाँ आकर पता लगा कि परसों रात से इन्हें जहर खिला दिया और रात में ही मार दिया, बिल्कुल सीरियस हालत हो गई। जब सुबह ही 8 बजे लेकर आए और हमारे को फ़ोन कर रहे हैं मम्मी को कि पेट दर्द कर रहा है, नॉर्मल पेट दर्द कर रहा है। बस दिन के 2:30 बजे ये ख़त्म हो गई है। आप लड़की कौन है? मैं भाई हूँ लड़की का। जब फ़ोन आया जब स्पाइक के पास मेरे के कि लड़की ख़त्म हो गई है, उस समय इन्हें हल्की सी बात कराई है और कुछ नहीं बात कराया, और पैसे भी आए दिन डिमांड करते रहते, शादी में भी पैसा दिया और अभी भी पैसा ही पैसा। और इनकी बहनें बोलती थी कि हमारी शादी होगी तो अपने बाप की ज़मीन में से हिस्सा ले, वालिद मेरे गुजर गए थे तो ज़मीन में से, और इसलिए इन बहनों ने कहा कि हम जहर खिला के तेरे को मार देंगे, तू ऐसे नहीं देगी तो हिस्सा, प्रणायित करते रहते थे आए दिन और इन्हें जहर खिला के मार दिया। कितने वर्ष हुए थे अभी शादी करे हुए? 8-9 साल करीब हुई हैं सर। और आप सब शुरू से ही परेशान कर रहे थे सर मेरी बहन को आए दिन, और हालत उसकी देखिए, और उसकी चुटकी तक उतार ली इनने सारा जेवर, बिल्कुल एक चुटकी तक पैर मैंने छोड़ी है, वहाँ डेड बॉडी को लेकर लेकर आए हैं सारा जेवर। सीपरी में रहते हैं? जी सीपरी में रहता हूँ। आपको सूचना कैसे मिली? सूचनी सर इनने फोन बताया था कि पेट दर्द कर रहा है, अपनी मम्मी को भेज दो अकेला, कुछ नहीं है, ये भी नहीं बताया इनने कि जहर खाया है या क्या किया है, कोई सूचना नहीं। यहाँ आकर पता लगा मौड़ी के मुंह में से शुगर निकल रहे हैं। और संजीदा बानो जिला चिकित्सालय में जहर खा करके भर्ती हुई थी, जिसका तत्काल जो अस्पताल चौकी में तैनात पुलिस द्वारा उसके कथन लिए गए, कथन में उसने बताया था कि उसके पति के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिस कारण उसने गुस्से में जहर खा लिया। कल शाम को उसकी मृत्यु हो गई, कल रात को। आज उसका पीएम कराया गया है, मर कायम कर मर की जांच की जा रही है। क्या जो महिला थी उसका कोई ससुराल वालों का दबाव भी परेशान करते थे, उसका कहना है? ये जांच का हिस्सा, मर की जांच का हिस्सा है।